आज हमारे पास जो प्रद्युम्न गौतम जी बैठे हुए हैं और ये जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है तो उनका कुछ रहस्य बताना चाहते हैं। तो ये कौन से माध्यम से आपको जो पीडीएफ की बात कर रहे थे तो आप थोड़ा बताएं दर्शकों को कि जो बच्चे और नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे तैयारी करें और कहाँ से तैयारी करें कि उनका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाए। देखिए, जैसे हमने फिजिकल क्वालिफाइड हुआ था, मेडिकल क्वालिफाइड हुआ था मेरा, तो मैं गुरुजी के मार्गदर्शन में आया, लगातार टच में बना रहा, गुरुजी मोटिवेट करते रहे। फिर उन्होंने बताया कि जो कुछ हमने कंटेंट तैयार करके रखा है तो वो बच्चों के लिए, तो फिर उन्होंने पीडीएफ दिखाई हमको रीड करने के लिए, बोले मैं इन्हीं पीडीएफ जो आप होम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये सर जैसे देख पा रहे हैं कि आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी एकेडमी का, से। देखिए मैं तो इससे आपको कितने जो उसने जो मैं आपको कंटेंट हमारे टीचरों ने पढ़ाया, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया पीडीएफ, जी, उससे कितने परसेंट जो क्वेश्चन वहां जाके आपको फाइनली पेपर में फंसे थे मैं ये? कहूँगा 90 से 95% जो का त्यों सिलेबस था, आपके पूरे टॉपिक्स वही थे, बहुत सारे क्वेश्चन तो जो के त्यों वैसे ही आ गए थे, तो काफ़ी हेल्पफुल पीडीएफ थी और मैं इसी को पढ़ के गया था, तो फाइनली आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू। तो ये बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा आप देख पा रहे हैं मैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो तैयारी करा रहा हूँ, मेरे जैसे आप देख पा रहे हैं स्केल में आर्मी एंड ये जो है तो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, एमपी पुलिस, ये कई चीज़ों के लिए है, पटवारी है, व्यापम है, एसएससी जीडी है, एमटीएस है, सीजीएल लेवल तक की है। तो मैं सभी आर सब्जेक्ट की जो पीडीएफ तैयार कराता हूँ तो इसको यूनिट वाई कराता हूँ, चैप्टर वाई। जैसे आप देख पा रहे हैं सेल के, तो इसमें सेल से ही सारे संबंधित क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे छोटे से लेकर के जो बड़े तक, इसको टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद इसको इसके बारे में अच्छे से बताते हैं डिटेल्स और इसका भी टेस्ट होता है। उसके साथ जैसे एक यूनिट खत्म हुआ, टेस्ट लिए, टेस्ट लेने में जो परेशानियां आई उनको टीचरों ने दूर किया, उसी प्रकार से फिर दूसरे टाइप की पीडीएफ होती हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे दूसरे टाइप की पीडीएफ है, ये अग्निवीर का टेस्ट अभी चल रहा है, लेटेस्ट अग्निवीर का पीडीएफ चल रहा है। जैसा कि अग्निवीर की पीडीएफ बननी शुरू हो गई आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी, दिस पीडीएफ जो पीडीएफ यूजफुल फॉर आर्मी अग्निवीर स्पेशल टेस्ट पेपर का। अब ये अग्निवीर का पेपर कैसे आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, ये सारे पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो हमारा अग्निवीर का बैच चल रहा है, जैसा कि पिछले बार हमने 10+ सिलेक्शन बच्चे दिए थे, बच्चे लखनऊ गए थे, इधर उधर गए थे, वो बच्चे फेल हो गए थे, जो बच्चे विश्वास के साथ हमारे पास रुक गए थे, तो 10+ बच्चे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से संपर्क किए। अभी इस प्रकार का इस बार का जो बैच चल रहा है बहुत बेहतरीन बैच चल रहा है आर्मी अग्निवीर का, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पीडीएफ तैयार की गई है आर्मी अग्निवीर के लिए। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का, जैसे साइंस है, मैथ है, जीके है, जीएस है और उसके साथ में रीजनिंग है, तो हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। और पीडीएफ में क्या क्या आपको मिला? पीडीएफ जितने भी टॉपिक्स होते हैं, एक सिलेबस बनाया गया था, उस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स थे हमको पूरे टॉपिक वाइज, पहले तो थ्योरी वाइज और फिर वो क्वेश्चन जो टॉपिक से बन रहे थे वो सब हमको देखने को मिले, और हमने सभी टॉपिक्स पढ़ के गए थे, तो वहाँ से मेरा बेसिक्स भी क्लियर था, और ये हमने क्वेश्चन जो आपके होम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, इनको सब मैं पढ़ के गया था, उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, तो प्रद्युम्न गौतम जी ने बहुत अच्छी रहस्य की बात बताई कि इनका मतलब आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ, और तकरीबन मैं बता दूं कि रीवा से ही मतलब आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में दो ही बच्चे पास हुए थे, फिजिकल और मेडिकल जो टेस्ट दिए थे, दो में से एक सफलता मिल गई, एक बंदा जो नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम में वो भी हो जाएगा, उसका 1-2 मार्क्स से रह गया है। तो अभी साथियों जो भी आप हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वीडियो को सुन पा रहे हो, तो जो अभी मेरा लेटेस्ट चल रहा है, जैसे आप देख पाएंगे कि लेटेस्ट हमारा जो बैच चल रहा है तो लेटेस्ट अभी आर्मी अग्निवीर का चल रहा है, आर्मी अग्निवीर